हाय फ्रेंड, नमस्कार, सुस्वागतम। मेरा नाम आर्यन सिंह पुना और आप देख रहे हैं टेक्निकल पुना जी। फ्रेंड्स, मैं आपको आज वाटर प्यूरीफायर के बारे में बताऊंगा, उसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आप उसमें बताऊंगा कि जो आरओ क्या होता है, आई मीन जो आरओ से वाटर प्यूरीफाई होकर जाता है वो ज़्यादा प्यूरीफाइज होता है या यूवी से होता है या पानी का टीडीएस लेवल क्या होता है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आज करूंगा इस वाटर प्यूरीफायर की अनबॉक्सिंग। ये मेरा एड्रेस भी है जहाँ मैंने डिलीवरी करनी है और इसे दिखाई सभी पार्ट उसी को स्टोरेज में रखते हैं। अनबॉक्सिंग करते हैं फ्रेंड्स। इंस्टॉलेशन के लिए ये मॉडल नंबर दिए गए, जहाँ मुझे इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा इसका सारा कुछ, इंस्टॉलेशन नंबर और सब कुछ दिया गया, टाइमिंग दी गई है, इधर से देखिए टाइमिंग कर सकते हैं इंस्टॉलेशन वाला जब भी आएगा, ठीक। उसके बाद ये कंपनी की एक्वाफ्रेश का है, एक्वाफ्रेश कंपनी का है, तो इस वजह से इसका वाउचर दिया गया जिसमें पहले इक्विपमेंट्स की डिटेल दी गई है और ये आरओ है, यूवी है एंड टीडीएस है, यूएफ है, मिनरल है, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा प्योरीफाइड जो मिलता है वो आरओ से मिलता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूएफ आता है, कि यूएफ आता है अल्ट्रावाइलेट रे से निकलती है और टीडीएस क्या था, पानी का कितना टीडीएस होना चाहिए ये भी मैच्योर होता है। तो मैं इसको खोल के देखते हैं, पहले खोलते हैं इसको, तब देखते हैं इसके सारे कुछ क्या क्या इसमें मिलता है। ये रहा फ्रेंड्स, तो ये है एक्वाफ्रेस का हमारा इक्विपमेंट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसको। इसमें देखें कि ये आरओ भी है, यूवी है, अल्ट्रावायलेट करके। इसमें क्या होता है, आरओ वाले में क्या होता है कि जो वाटर होता है बहुत ही सारे स्मॉल टाइप माइक्रो होल्स होते हैं, उससे होकर गुजारा जाता है पानी को, वो आरओ से आता है। अल्ट्रावेज मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज, ये जो रॉड लगी दिखी थी आपको एल्यूमिनियम की, इससे होकर जाता है अल्ट्रावेज एंड एयर के मुझे भी पता नहीं। टीडीएस क्या होता है, टीडीएस इनका पानी की वैल्यू होती है, कितने टीडीएस तक का पानी होती है, जिनमें क्या होता है कि जैसे पहाड़ों का उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या इनका पहाड़ों का पानी सबसे ज्यादा अच्छा होता है, बेस्ट होता है। बट अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो वहाँ पर आप इस इक्विपमेंट को यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, और पानी के लिए पानी यूज कर सकते हैं। इसमें लिखा है आपके रिवेज और सर्विस सिस्टम्स और ये टेस्टिंग सर्टिफाइड है फ्रेंड्स अंडर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स करके। ये एक्वाफ्रेश का है फ्रेंड्स, इसमें बाकी सब पंप वंप लगे हुए, साइड पे पंप्स जो लगे पड़े, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके साइड की भी कुछ होगी इसमें इक्विपमेंट फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड जो आएगा वो लगा के जाएगा इसमें साइड। तो अभी ये फ्रेंड्स ये है और इसका टैंक जो है इसकी कैपेसिटी 15 लीटर्स की है, 15 लीटर पानी इसमें आ सकता है, काफी है इसकी लिमिट। और दूसरा इसका एक एटीट्यूड किया गया है, इसमें कॉपर के साथ यूज किया गया, क्योंकि जो कॉपर में ऐसा बोला जाता है कि जो पानी होता है वो प्यूरीफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स, तो कॉपर होने का मतलब एक बहुत बेटर है ऑप्शन आपके पास, क्योंकि जो पानी कॉपर से होते जाएगा ना वो पानी बहुत शुद्ध पानी होता है। जो पहले के लोग एक्सिंग टाइम के लोग होते थे वो क्या करते हैं, हमेशा कॉपर के बर्तन यूज करते हैं जिससे पानी के ऊपर जम्स मर जाते हैं, तो इसमें वो पावर इससे होकर पानी जाएगा तो उससे जम्स मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको एक्वायर किया था, क्योंकि जो अदर थे वाटर फिल्टर उनमें कॉपर नहीं था, मुझे कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए कॉपर भी किया। दूसरा मेरे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि आरओ होना बहुत जरूरी है, अल्ट्रावेज वाला पानी, अल्ट्रावेज वाला उतना क्लियर नहीं होता, इसमें अल्ट्रा यूवी वाला भी है जो अल्ट्रावेज रेज से होते हुए जाता पानी, लेकिन आरओ बहुत इंपॉर्टेंट था फ्रेंड्स, सबसे शुद्ध पानी आरओ होता है फ्रेंड्स। बस पानी की टीडीएस कितना होती है ये भी मेजरमेंट इस पर रखा गया फ्रेंड्स, एंड दैट इज द मेन थिंग ऑफ दिस फ्रेंड्स। और मुझे लगता है कि इसके अंदर खोल के मुझे और भी इक्विपमेंट इसके अंदर मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो वायर है इसके अंदर ही है वो निकालना पड़ेगा, और अदर इक्विपमेंट जो आपका पड़ा वो वॉल्व आता है जो मोटर का वो भी इसके अंदर है, वो भी निकालना पड़ेगा, चेक करके बताएंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप भी अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो पानी गंदा है
बार था वो बेटर पेपर है, लेकिन इस बेटर ऑप्शन है, इस बेस्ट ऑप्शन है, इन रीजन में, इन रीजन से तो मैं इसमें नहीं सीखा और यूपी और रिसर्च के लिए तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस टाइप में आपकी कंपनी डिपेंड नहीं करती, बट ये मेजरमेंट जरूर होना चाहिए, इसमें आर ओ हो, यू वी भी इंक्लूड हो, साथ में ईयर के और टी डी एस पानी का क्या है, ये जरूर इम्पोर्टेंट। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये ऐसा है, बाकी ऊपर हैंग हैंग करने के लिए भी किसी से ऑप्शन दिए गए हैं, बाकी इसके जो होंगे नीचे फ्रेंड्स, जब वो आया ऑटो फिल्टर वाला आएगा फ्रेंड्स, बंदा जो आएगा फिटिंग करने के लिए उसके बाद उसको दिखाऊंगा। थैंक यू।